लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माताश्री, जैसे ही उन दोनों राक्षसों ने मुझ पर प्रहार किया कि हनुमान जी, बजरंगबली, रुद्रावतार तुरंत प्रकट हो गए और मैंने उनकी सहायता से उन दोनों को मार भगाया। परंतु हनुमान जी आपके साथ क्यों नहीं आए? आप तो उन्हें ही लेने गए थे ना? संकट पड़ने पर रुद्रावतार हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, परंतु बिना प्रयोजन के वे बुलाने पर भी नहीं आते। अर्थात वो तुम्हारे साथ नहीं आए, तुम उन्हें लाने में असफल रहे। भीम, भीम, क्या हनुमान जी हमसे रूठे हुए हैं? नहीं माताश्री, उनके रूठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे हम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आप लोगों को उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? भीम, ये कैसे विचित्र बातें कर रहे हो तुम? विचित्र बातें नहीं भैया, मैं वही कह रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा है। परंतु मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे यहाँ आए क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यहाँ आना ही ना चाहते हो? नहीं अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं। सत्य तो ये है कि उन्हें सूर्य देव के पास जाना था। अब प्रश्न उत्तर बंद, मुझे भूख लगी है। माताश्री चलिए। चलो। गुरुदेव, मेरे धर्म भ्राता भीम और उनके भाई विपत्ति ने उन पांचों भाइयों से उनका राजपाट छल से छीन लिया गया है। वे वन वन भटक रहे हैं गुरुदेव, उनका संकट कब समाप्त होगा? मुझसे उन पांचों भाइयों का संकट देखा नहीं जाता गुरुदेव। हनुमान, वो पांच नहीं, छह भाई हैं। छह भाई? हाँ पवन पुत्र, कभी कभी कुछ ऐसी अनचाही सी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं जो कालांतर में चिंता का कारण बन जाती हैं। मैं आपका आशय समझा नहीं गुरुदेव, तनिक अपना आशय स्पष्ट करें। हनुमान, मेरा धर्मपुत्र महारथी कर्ण पांडवों में सबसे बड़ा भाई, देवी कुंती और भगवान श्री कृष्ण के सिवाय इस सत्य का ज्ञान और किसी को भी नहीं, स्वयं कर्ण को भी नहीं। गुरुदेव, मुझे स्वयं इस सत्य का ज्ञान नहीं था। मैं तो युधिष्ठिर को पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता समझ रहा था। हाँ हनुमान, सारा संसार यही समझता है। स्वयं कर्ण भी इसी सत्य से अनभिज्ञ रहकर दुर्योधन का मित्र बन चुका है और पांडवों का घोर शत्रु। निसंदेह ये तो चिंता का विषय है गुरुदेव, भाई को भाइयों का शत्रु बना दिया। गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रिय हनुमान, तुम ही कुछ ऐसी युक्ति क्यों नहीं करते जिससे होने वाला अनिष्ट टल जाए? यह तो निश्चित है कि यदि युद्ध हुआ तो महारथी कर्ण कौरवों के पक्ष में खड़ा होगा और उसका चरम लक्ष्य पांडवों का विनाश होगा। परंतु गुरुदेव, कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध तो निश्चित प्रतीत हो रहा है। हाँ हनुमान, युद्ध तो निश्चित है, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरा धर्मपुत्र होने के नाते महारथी कर्ण अधर्मी कौरवों का पक्ष ले और उसका कुपरिणाम भोगे। अब मैं आपकी चिंता का मूल कारण समझ गया गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा और कर्ण को कौरवों के विरुद्ध करने की भरसक चेष्टा करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो रुद्रावतार। प्रणाम गुरुदेव। भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम आदित्याय नमः।
सूर्य नारायणाय नमः। कर्ण, बजरंग बली आप? धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए महावीर बजरंग बली। महाबली कर्ण, मेरे गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझ जैसे तुच्छ सूत पुत्र कर्ण का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है जो स्वयं सूर्यदेव ने आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। कर्ण, गुरुदेव सूर्यदेव ने ये कृपा तुम्हारे ऊपर इसीलिए की है क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं और तुम उनके धर्मपुत्र। इस प्रकार तुम मेरे गुरु भ्राता हुए कर्ण। क्या आपके गुरुदेव मेरे धर्म पिता? हां कर्ण, यही सत्य है। क्षमा कीजिएगा हनुमान जी, मैं सूत पुत्र था और सूत पुत्र ही रहना चाहता हूं। अब बताइए, इस सूत पुत्र के लिए मेरे धर्म पिता का क्या आदेश है? कर्ण, पिता तो पिता है, फिर चाहे तुम उन्हें जिस रूप में स्वीकार करो। और तुम्हारे धर्म पिता सूर्यदेव ये चाहते हैं कि तुम अन्याय से पांडवों का राज्य हड़पने वाले दुर्योधन का साथ में दो। क्यों क्यों करूं मैं ऐसा? मेरा साथ किसने दिया था? बोलिए बजरंग बली, मेरा साथ किसने दिया था जब हरी सभा में सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया था? तब मेरे धर्म पिता ने यह नहीं कहा कि मैं सूत पुत्र नहीं सूर्य पुत्र हूं? कर्ण, कर्ण यह तुम्हारी कुंठा है। परंतु यह कुंठा उपजी कैसे? बाल्यावस्था से जो अपमान जो लांछना जो तिरस्कार मैंने सहा है वो मैं ही जानता हूं। कर्ण। हाँ बजरंग बली, बाल्यावस्था में जब मैंने अस्त्र विद्या सीखनी चाहिए तो गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मुझे तिरस्कृत किया कि मैं सूत पुत्र। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रियों को ही यह विद्या प्रदान करता हूं और गुरुदेव परशुराम जो मात्र ब्राह्मणों को ही यह विद्या प्रदान करते थे उनसे जब मैंने एक ब्राह्मण का रूप धर के ये विद्या ग्रहण की तो सूत पुत्र होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। इस सूत पुत्र को यदि किसी ने सम्मान दिया है तो दुर्योधन ने। अंग देश का राज्य प्रदान करके राजा कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है तो सिर्फ दुर्योधन ने। किंतु कर्ण, कर्ण इसी दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट किया, इसी दुर्योधन ने छल से उन सब का अधिकार छीन लिया और यही दुर्योधन अपने ही पापों के कारण इस धर्म युद्ध में पराजित होगा। क्षमा कीजिएगा बजरंग बली, क्षमा कीजिएगा। जब तक कर्ण के पापों में बल है, जब तक कर्ण के प्राणों में प्राण है, दुर्योधन कभी पराजित नहीं होगा, कभी पराजित नहीं होगा। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय के मार्ग पर चल रहा है, अकारण ही अपने चचेरे भाइयों का शत्रु बन बैठा है। कोई भी प्रतिक्रिया अकारण नहीं होती बजरंग बली। दुर्योधन का भी उपहास उड़ाया गया था और जिसका परिणाम पांडवों को भोगना पड़ रहा है।
उपहास उड़ाने और अनीतिपूर्ण कार्य करने में अंतर होता है कर्ण। दुर्योधन का साथ देकर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है कर्ण, क्योंकि दुर्योधन की पराजय तो निश्चित है। संसार की समस्त शुभ शक्तियां पांडवों के पक्ष में हैं, क्योंकि पांडव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य, धर्म, कैसा सत्य, कैसा धर्म? क्या जुए में अपना समस्त राज्य हार जाना और यही नहीं, अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देना, क्या यही सत्यवादी धर्मात्माओं का कर्म है? दुर्योधन ने उन्हें जुआ खेलने के लिए विवश नहीं किया था बजरंग बली, लोभ के कारण वे स्वयं ही इस द्यूत के जाल में फंस गए और अब वो उसको ही भुगत रहे हैं। किसी ने भी उनके प्रति कोई अन्याय नहीं किया है बजरंग बली। परंतु कर्ण, क्या दुर्योधन का अपने पांडव भाइयों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? दुर्योधन के मन में बाल अवस्था से ही पांडवों के प्रति द्वेष पनप रहा था और इसी द्वेष का परिणाम है कि दुर्योधन पांडवों का कट्टर शत्रु बन बैठा है और पतन के मार्ग पर चल पड़ा है। कर्ण, मैं तुमसे फिर अनुरोध करता हूं, दुर्योधन और कौरवों का साथ छोड़ दो। कदापि नहीं, चाहे सूर्य पश्चिम से उदित होने लगे, चाहे अग्नि शीतलता धारण कर ले, परंतु कर्ण अपने मित्र का साथ कदापि नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा यह हट तुम्हें भी पतन के मार्ग पर ले जाएगा कर्ण, फिर पछतावे के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह कोई हट का प्रश्न नहीं, निष्ठा और प्रामाणिकता का प्रश्न है बजरंग बली। जो व्यक्ति संकट में साथ देने वाले अपने मित्र का साथ छोड़ते, उस जैसा पतित और अधर्मी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? पूछो, अवश्य पूछो। यदि निष्ठा और प्रामाणिकता के प्रति तुम्हारा विवेक जागृत हो रहा है तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। पूछो कर्ण, क्या पूछना चाहते हो? मैंने माता राधा से रामायण की सारी कथाएं सुनी है। आप जैसा निष्ठावान और भक्तिवान भक्त संसार में ना दूसरा कोई हुआ है और ना ही होगा। श्री राम के चरणों में आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। जय श्री राम। ये सत्य है कर्ण, प्रभु श्री राम के बिना हनुमान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्री राम के प्रति आपकी निष्ठा और उनके प्रति आपका सेवा भाव संसार में अद्वितीय है। जय श्री राम। हनुमान जी, आप जिन श्री राम की जयकार कर रहे हैं उन्हें श्री राम ने अनीति से बाली का वध किया, अपनी भार्या माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के पश्चात भी उनका त्याग कर दिया, तब आपने उनका विरोध नहीं किया। जिस प्रकार से आपने अपनी मित्रता निभाई उसी प्रकार दुर्योधन से भी मेरी मित्रता है और उसे मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक निभाऊंगा भी। जिस प्रकार से आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति, आपकी मित्रता पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसी प्रकार से मेरी निष्ठा, मेरी मित्रता पर भी किसी को उंगली उठाने का या संदेह करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री राम महान थे, दुर्योधन दुष्ट हो सकता है, पतित हो सकता है, परंतु दुर्योधन का साथ निभाने वाला कर्ण कभी पतित नहीं हो सकता। वो निष्ठावान था, निष्ठावान है और निष्ठावान ही रहेगा। मुझे क्षमा कीजिएगा बजरंग बली, मुझे क्षमा कीजिएगा। तुम धन्य हो कर्ण, तुम सचमुच धन्य हो।
तुम्हारा ये मैत्री भाव सचमुच अद्वितीय है। कर्ण, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि इसी निष्ठा और धर्म के कारण तुम्हारा नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। तुम्हारा कल्याण। दुर्योधन, मेरे मित्र, दुर्योधन, मेरे बंधु, मेरे सखा। कर्ण, आज बड़ी देर लगा दी तुमने सूर्य पूजा। तुम तो भली भांति जानते हो कि तुम्हारे बिना मैं असहाय हो जाता हूं। मित्र, पहले ये बताऊं कि तुमने अपने आराध्य सूर्यदेव से मेरे लिए क्या मांगा, अपने मित्र के लिए क्या मांगा? मांगने से कुछ नहीं मिलता है मित्र, अपने बाहुबल और पुरुषार्थ से ही कुछ पाना होता है। कर्ण, तो फिर सूर्यदेव की पूजा किस लिए? जो कुछ दे नहीं सकता उसकी पूजा में अपना समय क्यों नष्ट करते हो मित्र? हाँ मित्र, मैंने आज तक पूजा में समय ही नष्ट किया है, परंतु आज मुझे बिन मांगे वो सब कुछ मिल गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की।